चम्बे मार रहा है यार। क्या? अबे चमाटे मार रहा है कोई। तुम आज कायनात की गुलामी करोगे, सारे दिन उसके आगे पीछे घूमोगे, उसकी सारी बातें मानोगे, समझ भाई? हाँ तो क्या हो गया, हंस भी नहीं सकते क्या? बाबरची तो क्या दिल नहीं है, इंसान नहीं हूँ क्या? सिर्फ वडेरे और अमीर लोग हंस सकते हैं क्या? मुझे माफ कर दो, तानी के पास जाओ, मुझे तुम नहीं चाहिए। वैसे भी ऐसे गोरे चिट्टे बर्फी जैसे लड़के मुझे वैसे ही अच्छे नहीं लगते। तेरी मंगेतर भागी क्यों है? नहीं नहीं फरकान भाई, ऐसा कोई मसला नहीं था, फैमिली प्रॉब्लम है। तुमसे शादी की इस दिन के लिए, तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ा इस दिन के लिए, ताकि तुम मुझ पे शक करो, मुझे जलील करो। अब क्या हुआ है तुम्हें? मुझे? मुझे क्या हुआ है? ठीक हूँ। तो फिर ये देवदास बने क्यों फिर रहे हो? बना कोई नहीं फिरता मेम साहब, बना कोई नहीं फिरता, ये समाना बना देता है, बड़ा जालिम है ये सब। तैमूर, तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है और फरागत तुमसे ये तमाशे करवा देती है, बस और कोई बात नहीं है। अब तुम ये फैसला करोगी कि कोई बात है या नहीं है, और बात का क्या है, कब खत्म हो जाए, कब शुरू हो जाए? अरे क्या हुआ तैमूर, किससे बात होना खत्म हो गई तुम्हारी? खुद से, मैं खुद से छूट गया हूं, कभी आगे कभी पीछे। गुम हो गया हूं कहीं, एक खलंडरा शरारती नौजवान मिले तो बताना। और सुनो, मुझसे मिलने को आ पाए, बैठिए मैं बुला के लाता हूं। यस मामू। बहुत जल्दी में है आप तो भूल ही गई वहां जाकर, कोई खैर खबर ही नहीं? नहीं, एक्चुअली कल से इतना कुछ हो रहा है कि टाइप करने का टाइम नहीं मिला, अब टाइप कर रही हूँ जल्दी जल्दी ताकि भूल ना जाऊं। अच्छा, तो अभी तक बाहर से देखकर कहानी लिखने की कोशिश कर रही हैं आप? और कैसे लिखते हैं कहानी मामू? कहानी के अंदर जाएं शिजा, जिए उसे, महसूस करें। जब एक बार महसूस कर लेंगे तो नोट वगैरह लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ नक्श हो जाएगा।
जिंदगी भर के लिए। मामू, मुझे आपकी अजीबोगरीब बातें नहीं समझ आती। कहानी दिमाग से लिखी जाती है, दिल से नहीं। ओके बाय मामू। अस्सलाम वालेकुम तानी बीबी, आपका इंटरव्यू कैसे हुए? लगता है थानी बीबी का इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ है, इसीलिए इतना उदास है तैमूर भाई, है ना? जिंदगी में तो नाकाम नहीं हुई ना, इंटरव्यू की खैर। ये बिल्कुल ठीक बात की है आपने। बख्तू बोलो, मुझे अकेला छोड़ दो बख्तू, यहाँ से चले जाओ। ये क्या हुआ है, सबके मिजाज बिगड़े हुए हैं, मौसम भी अच्छा हो रहा है, धूप भी नहीं निकली हुई है, इन सब के दिमाग क्यों चल गए? लगता है अभी तक इन्होंने एक दूसरे के साथ अपना दिल साफ नहीं किया है। यार कोई बख्तू थोड़ी होता है। जी लू मैं अकेला, पहाड़ जैसी जिंदगी गुजार लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। चले जाओ, चले जाओ। जा रहा हूं तैमूर भाई। अकेला छोड़ दो, किसी की जरूरत नहीं है। से ज्यादा नीचे नहीं गिरा सकते तो तुम मुझे शोएब, या फिर सबको सब कुछ पता चल जाएगा, मेरा ये ठिकाना भी जाएगा। लेकिन उससे पहले ना, मैंने तुम्हारे घर आके उसी तरह तमाशा लगाना है तुम्हारा, जैसे तुमने मेरा लगाया। सड़क पे लेके आ जाना है तुम्हें। जिंदगी खराब करोगे ना तुम, देखती हो तुम। बल गिरा है क्या? नहीं, कैसे गिरा मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि बाइक से गिरना नहीं लग रहा मुझे। मुझे लग रहा है तू बिल्डिंग में खड़ा था ऐसे करके, ठीक है ना, बिल्डिंग के कोने पे ऐसे करके खड़ा था और किसी ने से धक्का दिया और तू गिरा ऐसे। लेकिन तू ऐसे गिरा ही नहीं, तुझे यहां चोट लगी है तो तू गिरा है। भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, बाइक से गिरा हूं मैं। देख मैं जा रहा था, सामने आ गया बैरियर, अब बैरियर से टकराया और गिर गया मैं। पूरी जिस्म में खराशी आई और यहां हेलमेट लग गया। शुक्र अदा कर हेलमेट पहना हुआ था, वरना गया था भाई। कौन से स्टील का हेलमेट पहना होता तूने, है? और कौन से बैरियर से टकरा गया? इस शहर में कौन से ऐसे बैरियर है जो नजर नहीं आए तुझे? तू कुछ और कह रहा है, मुझे बता दे तू कहां से गिरा। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, देख बॉडी पे क्यों नहीं लगी ये बता। तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं बैठा बाइक पे, हैं, बाइक पे यूं बैठा, यूं जा रहा था, आगे से बैरियर आया, टकरा के बैरियर से गिर गया, पैर पे लगी, सर पे लग गई, इतनी जोर से लगी है यार। देख तू जा रहा था यूं, हाँ। सामने आ गया बैरियर, बैरियर तू बैरियर से टकराया, टकराया और तू गिरा, गिरा। लेकिन बैरियर से टकरा के ऐसे गिरूंगा ना, बॉडी पे क्यों नहीं लगी और कहीं क्यों नहीं लगी? खराशी आई है। बेबी साहब, बेबी साहब, क्या हो गया, क्या क्या तूफान आ गया, क्या हुआ है? बीबी साहब, रॉयल बाइक का एक्सीडेंट हो गया है। मुसद्दिका इत्तलाती है कि वो बाइक से आ रहे थे, किसी चीज से टकरा गए, चंद खराशे आई है, कुछ छोटे लगी है, जानी और माली नुकसान से महफूज रहे बीबी साहब। क्या क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ है? वो बाहर बैठे हैं तैमूर भाई के साथ। चलो ना, इतनी बातें क्यों कर रहे हो फिर? भाई आइए, खराशे इतनी बड़ी चोट लगी हुई है यार, भाई जाओ यार, देखा ना रोजा है यार। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? बख्तू बता रहा था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। कुछ नहीं हुआ खानम, बस थोड़ी सी चोट लगी है, बाइक से स्लिप हो गया था। देखा ना, पूरी पूरी रात नींदे पूरी नहीं करते हो ना, तो एक्सीडेंट तो होना ही था ना। जी जी जी, आप अंदर चलें, इतना परेशान नहीं हो, ज्यादा नहीं लगी है, बस मामूली सी चोट है। रोजा रखा होगा, चक्कर आ गया होगा, इसलिए कुछ हुआ होगा, है ना? अच्छा अंदर चलो, अंदर चलो, दूध में हल्दी मिला के ना पिला देते हैं। नहीं नहीं खानम, मेरा रोजा है। हाँ हाँ, वो सिकाई कर देते ना। आ जाओ आ जाओ बख्तू, जरा
चले चले आप चले, मैं अच्छा अच्छा खाना, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस दिल टूटा है, बाकी तो इग्नोर करके चली गई, मैं दिखाई नहीं खानम को, मेरा लहजा, मेरा उदास चेहरा, मेरे आंसू, मेरा ये टूटा हुआ दिल, अबे एक सेकंड, एक सेकंड। तानी में गई थी सुबह और ये लौंडा भी गया था सुबह, दोनों साथ गए क्या? ये दोनों भी कहीं भाग के तो नहीं आए, वो कायनात और तसव्वुर लांती की तरह? ओएमजी, अबे हैंडल भी टेढ़ा नहीं है, वो कह रहा था कि बैरियर नजर नहीं आया और बैरियर से ऐसे जाके लगा और ऐसे गिरा, तो मतलब कुछ तो टूटा होगा भाई, हा? इंडिकेटर भी चकाचक है, लाइटें भी ठीक है, सब सही तो चल रहा है भाई। दो दो फिल्में चल रही है क्या? इसका मतलब है किसी से पिटा है भाई, लाते घूसे मुक्के। क्या हो गया तैमूर भाई, आप यहाँ खड़े हुए अकेले खुद से बातें कर रहे हो, ठीक है ना सब? नहीं तू मेरा बाप है, तुझे मैं बताऊंगा कुछ है? भाई मैं खड़े होके बातें करूं, नाचूं, गाऊं, मेरी मर्जी नहीं, मैं बैठ के बातें करूंगा भाई, बैठ के नाचूं मैं, गाऊं मैं, कुछ भी करूं, तुझे क्या है? बल्कि थोड़ी देर में तो लेट जाऊंगा मैं, लेट के परफॉर्मेंस करूंगा अपनी, तुझे मसला है? मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, माइंड क्यों कर रही है? नहीं तो वैसे क्यों पूछ रहा था, तू है कौन मेरा और बार बार यहाँ क्यों आता है, क्या पार्टी चल रही है? मैं तो क्वार्टर जा रहा था, मोबाइल भूल गया था अपना, वो किचन में ध्यान दो, तसव्वुर बहुत शिकायतें आ रही है खाने को लेके, कभी सालन ज्यादा होता है बोटियां कम, कभी बोटियां ज्यादा होती है सालन कम, कभी नमक ज्यादा मिर्चे कम, तो कभी मिर्चे ज्यादा नमक कम, खाने में शिकायतें नहीं आनी चाहिए, सब बराबर चाहिए मुझे। जी मैं कोशिश करूंगा। और फोन ज्यादा हाथ में नजर ना आए, हम समझ आइए, आज बड़े गुस्से में लग रहे होते हैं मोर भाई, कहर बन के नरसूंगा, कहर बन के, मेरी निजी जिंदगी में दखल मत देना बाबरची, चले जाओ, चले जाओ बाबरची। हाथ में मिल गए जिंदगी ने लो, कायनात ले उड़े कमीने लोग, बहुत कमीने लोग। यार छोटी मोटी चोट लगी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर कोई और रह गया तो उसको भी बुला ले, उसे भी बता देता हूँ। हाँ शिजा रह गई है ना, पर वो सो रही है, तुम फिकर मत करो मैं बता दूंगी। हाँ रोयल जी, वैसे मैं आपको एक सच्ची गल बताऊं, आपको ना मेरी नजर लग गई है, वो वाला हीरो नहीं है वो जो उस फिल्म में है, पहले दिन से मुझे आप वैसे लगते थे, वो फिल्म का क्या नाम है, आए प्यार की पंचायत, नहीं नहीं नहीं, ओ प्यार का खबरनामा में मुझे हीरो है ना बिल्कुल वैसे लगते हो आप। तानी इधर आओ जल्दी से, देखो एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ है? कैसे हुआ? अब इसे भी दोबारा से बताना पड़ेगा। कुछ नहीं, बस मैं बाइक पे जा रहा था, अचानक से बैरियर से टकरा गया, बस थोड़ी सी लगी है, कुछ ज्यादा नहीं। मैं ना एक काम करती हूँ, मैं मर्चे लेके आती हूँ,
नजर उतारूंगी ना फिर अब ठीक हो जाओगे। अब नजर लगाई मैंने तो फिर उतारनी तो मजा ही पड़ेगी ना। अभी ला सामने देख के चला करो, इधर उधर क्या देखती हो? अच्छा जी, इसका क्या सीन है? मूड क्यों आप इसका? इसका हर रोज कोई नया सीन होता है, आज शायद कोई खास दिन है। बहुत खास दिन है आज, बहुत खास। क्या खास दिन है आज? मुस्कुराना सुना है कभी? ज्यादा हंसने वाले ना मुनाफिक होते हैं, मुनाफिक का नाथ बीबी। तुम लोगों ने कैसे सुना होगा? तुम लोग यहां बैठे हो, बातें कर रहे हो, हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, तुम लोगों को कैसे याद होगा कि आज जुम्मा इबादत का दिन है? जुम्मा पढ़कर आया होगा, खुद खुतबा सुन लिया होगा। कोई जुम्मा वम्मा नहीं पढ़ने गया, बड़ा आया मौलवी। सुबह से इधर ही है, अलग ही धुन में चल रहा है, सबको डांट रहा है। बहुत बड़ा ड्रामेबाज है ये, सुबह जल्दी उठ गया होगा। अब इसने सोचा टाइम पास कैसे करूं, इसलिए सबके आगे तकरीरें करता फिर रहा है। तकरीरें नहीं है ये, ये तकरीरें नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब जाली बाबरची, अब तू बताएगा कि कौन नमाज पढ़ गया और कौन नहीं गया? नहीं तैमूर भाई, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। एक मिनट चुप कर, बातें सुनना ठीक है और कोई हकीकत बताए तो चुगलीखोर हो गया। हाँ जिस घर के चप्पे चप्पे पर झूठ और फरेब हो वहां चुप कर ही सुनी जाती है हकीकत। और अगर हकीकत मैंने बयान कर दी ना तो ये जमीन खुल जाएगी और सब सहेला हो इसमें। तैमूर सुनो, तुम ना एक काम करो, थोड़ी देर जाकर सो जाओ। मुसलसल फरागत और गर्मी की वजह से तुम्हारे जहन पे बहुत बुरा असर पड़ गया है। अब मुझे नींद नहीं आएगी और गर्मी का जो हकीकत मुनाफ़कत सब झूठ लगा के रखा हुआ है। कौन सी हकीकत, कौन सी हकीकत? तुम जाओ यहाँ से। जाने कैसी उलझन है तेरी आंखों में रहती है, न जाने कैसी उलझन है तेरी आंखों में रहती है, जो दिल में है छुपा वो कह देना जरा। साथ तेरा ना छोड़ेंगे, रुख न कभी भी मोड़ेंगे, गुजरे हुए लम्हों की अनोखी जिस तरीके से आप दरवाजा खोलकर अंदर आई है ना, ऐसा लगता है कि उन जंगलियों के साथ रह रह के आप सारे आदाब भूल गई हैं। आप हमारी एक बात कान खोल के सुन ले साहब, उन बच्चों को कोई भी नुकसान पहुंचा ना तो हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। खराश भी आई
तो आप हमारा वो रूप देखेंगे जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। रोहेल को बाइक से गिरा के आपने बहुत बुरा किया। ये जो आप डर फैला रहे हैं ना, इसे हम कभी जीतने नहीं देंगे। आज तक आपने हमसे इस लहजे में बातें की, जहर भर दिया उन लोगों ने। झूठ बोल रहे हैं कि हमने बाइक से गिराया, गलत बयानी कर रहे हैं। तुम पूछोगे भी नहीं कि कौन था? नहीं। ऑब्वियसली क्यों पूछोगे, सब कुछ इतना क्लियर तो है। पराए शहर में एक रैंडम लड़का आकर मुझे सड़क पर जलील करके चला गया, ना कुछ कह के चला गया, इतनी मेरी पर्सनल बातें खोल के रख दी, तो ऑब्वियस है पूछने की क्या जरूरत है। मेरा कैरेक्टर ही खराब है ना, यही सोचा होगा तुमने। फालतू बातें नहीं सोचता, मेरा काम था तुम्हें वहां ले जाना, मैं ले गया और वहां पे झगड़ा हो गया। I'm sorry, लेकिन मेरा हर किसी मकसद नहीं था झगड़ा करना। लेकिन अगर तुमसे कोई बदतमीजी करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अगर दोबारा ऐसा होगा तो मुंह तोड़ दूंगा मैं उसका। मुंह तोड़ दे? क्या मतलब मुंह तोड़ दोगे? अब तुम्हारे लिए मुंह तोड़ना डिफाइन करूं मैं? नहीं नहीं, तो देख ही लिया मैंने आज। और बाकी सबसे झूठ क्यों बोला, बता देते सच। Come on, तानी, मैं कौन होता हूँ किसी को सच बताने वाला या तुमसे सच पूछने वाला। तुम्हारी अपनी पर्सनल लाइफ है, तुम्हें जिसको बताना होगा बता दोगी सच। लेकिन जाली बावर्ची कैसे बोला उसने? कनाद, मुझे लगता है उसे पता चल गया है। उसे कैसे पता चलेगा तसव्वुर? ये जो तुम आ जाती हो ना बात बात पे झगड़ा करने, सुन लिया होगा किसी ने? हाँ, मैं झगड़ा करती हूँ, अब मैं झगड़ा लूंगी, तुम तो कुछ कहते ही नहीं ना। हाँ? मतलब जो बात करने आ जाती हूँ ना बार बार, हाँ तो कोई सुन लेगा, किसी ने देख लिया होगा ना। नहीं ना तसव्वुर, वो एक नंबर का मुंह फटे, उसे पता होता ना तो पूरे घर में ढिंढोरा पीट चुका होगा। हर ऊपर टेंशन न कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ? हाँ? कुछ भी नहीं है। जो भी है बहुत एहतियात से रहना पड़ेगा, किसी को शक नहीं होना चाहिए। नहीं, इस घर के अलावा कोई ठिकाना ही नहीं है हमारे पास। हाँ, विंदा से सही है, तुम जाओ। जाओ ना यार, जाओ जाओ। ये क्या कर दिया कायनात? एक मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, खिल रहा नटखट नौजवान को तबाही कर दिया यार, दिल तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया। अब उस तस्वीर में दिखा गया तुम्हें, अजीब सी लत बना के घूमता है वो। इस दिन तोड़ दिया है ना, क्या कर दिया है ना। तो आया यार।
तुम कर लो सारी सारी एक साथ। अजी मजाक चल रहा है यार, टूटे हुए दिल के साथ दिमाग खेलना है, ये तो वायरिंग ही गलत हो गई सारी। आज नहीं गई कहीं, सोया हुआ है, किसी ने खाए सारे गम जो है ना वो नींद से पहले तक के हैं भाई। छुप जाओ भाई इससे पहले कि वो देख ले। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता चला? मैं पूछ रही हूँ कौन था वो लड़का तानी, ये बताओ। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हें कैसे पता चला मैं किसके साथ गई थी? शुएब से मैंने बात की थी। मैंने शर्मिंदा किया था उसे, वो वहाँ तुमसे मिलने आया था ताकि आगे के मामला बेहतर किए जा सके। वो खुद भी परेशान था, मिलना चाहता था तुमसे। और वहाँ तुम पता नहीं किस लड़के के साथ घूम रही थी बाइक पे। और मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ रह रही हो, किसके साथ रह रही हो? मुझे तो पहले यकीन नहीं हो रहा था सब चांद नगर टाइप क्रैप में। तानी कुछ बोलो, जवाब दो मुझे। वो पता है जो भी है ना, तुम दोनों से तो बहुत बेहतर है। पता है इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने मुझे जज नहीं किया। और वो निकम्मा जिसने मुझे उस वक्त छोड़ा जब मैं बिल्कुल अकेली थी, वो तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने शर्मिंदा किया तो वो मुझसे मिलने आ गया और वहां सड़क पे खड़े होकर ना मेरे किरदार पर इल्जाम लगा रहा था वो। और तुम मुझे कब से जानती हो और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं किसके साथ रह रही हूँ? शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे पास ना सिर्फ एक किरदार ही है, उसके ऊपर ना सवाल ना उठाना और ना इल्जाम लगाना, मैं बता रही हूं। किसके साथ रह रही हूं? शादी करके बैठ गई है, इसको लगता है कि दुनिया फतह कर ली है। ऐ मेरे मालिक, मैं खुले आसमान के नीचे खड़े होकर तुझसे अपनी इज्जत की भीख मांगता हूं। मेरे पास इस इज्जत के सिवा कुछ नहीं है। हेल्प मी प्लीज। आमीन। ओ भाई, फुरकान भाई ने अपने बंदे लगा दिए काम पे। तानी का उन्होंने फोन रिकॉर्ड निकलवाना है, 35,000 रुपया लगेगा। नहीं नहीं, 35,000? ओ यार, 35,000 तो बहुत ज्यादा है डिटेल निकलवाने के लिए। ओ मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा ना तुड़वाओ, ओ थोड़ा काम करवाओ। हैं? वो तो बड़ा ही कोई चवल आदमी है। ओ मंगेतर भाग गई है तेरी, नुक्कड़ नुक्कड़ पे बेइज्जत हो रहा है। मामू तेरा घर से नहीं निकल रहा और तू यहाँ पैसे तुड़वा रहा है। ओ यार, मैं तो वैसे ही कह रहा था कि थोड़े कम करा लो। तू तो नाराज ही हो गया यार। दे देंगे, 35,000 भी दे देंगे, कौन सी कोई बड़ी बात है। तेरी ना इन्हीं बातों को समझ गई थी वो, दिमाग पढ़ लिया था उसने तेरा। सही कहती थी तुझे, बच्चा दिमाग। ओ तू ना मुझे बार बार ये कहकर सताया मत कर। तो तू भी तो बार बार बच्चों वाली बातें ना किया कर। ओ 35,000 सिर्फ डिटेल निकलवाने के लिए? और डिटेल का मैंने करना क्या है, मुझे तो लोकेशन चाहिए। ओ भाई, डिटेल निकलवाएंगे तो पता चलेगा ना कि सबसे ज्यादा बातें किससे करती रही है, और जिससे बातें करती रही है ना उसी के साथ घर छोड़ के गई है। अब उसका पता मिल जाएगा तो समझता नहीं का पता मिल जाएगा। अच्छा, तो ये गेम है? हाँ जी। तो ठीक है फिर, दे देंगे फिर पैसे। पैसे यार, फिलहाल तो मेरे अकाउंट में 10,000 हैं, कल परसों तक तुझे पूरे पैसे दे दूंगा। तेरे अकाउंट में सिर्फ 10,000 हैं? और तू तानी जैसी लड़की से शादी करने चला था? क्या मतलब तानी जैसी लड़की? तू ना एक काम करी, कमरे में जाके ना शीशा देखी और फिर तानी की कोई तस्वीर देखी, अगर जरा सी भी गैरत होगी ना तेरे अंदर तो तेरे दिल से आवाज आएगी कि अल्लाह मामू की बेटी को जहां रखे खुश रखे। चला जा, दफा हो जा यहां से। तू ना एक नासूर है,
और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तेरे मुंह से कभी कोई खैर की बात नहीं सुनी। गेट आउट। मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ, तुझे बुरा लग रहा है तो ठीक है, वैसे हकीकत यही है। ओ भाई दे देंगे फुरकान भाई को पैसे, उनसे बोलो काम तो शुरू करें। फिर मैं भी ना मामू को बताऊंगा कि बगैर किसी पुलिस की मदद के मैं तानी को वापस ले आया हूं। और फिर तानी को भी तो समझ में आएगा कि काशिफ चौधरी नाम है किस तोप का। ओ तोप नहीं जी, आप होप हैं, वो भी लेस। और ये बात ना आप जितना जल्दी हो जाए समझ लें। और मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि अगर वो अभी तक नहीं ना आई तो बस फिर आगे भी नहीं आएगी। आप खां खाई नारायण का गान के चक्कर लगाएंगे और वहां भी वो पहाड़ों में अपने शौहर के साथ तस्वीरें ले रही होगी। दफा हो जाए यहां से, जितना का है उतना कर। ठीक है जा रहा हूं जा रहा हूं। जहरीला इंसान। ऐ मेरे मालिक, एक तो मेरे दोस्त से बोले, दूसरी दुनिया लुटेरी। हेल्प मी प्लीज। आमीन। हैप्पी एनिवर्सरी तानी। तुम्हें भी। बीबी मुझे कभी कभी लगता है कि मार्क ज़करबर्ग ने ना फेसबुक हमारे लिए बनाया था ताकि हम दोनों का कनेक्शन बन सके, है ना? वैसे हैप्पी तो ये एनिवर्सरी तब होती अगर तुम मुझसे मिलने लाहौर आते। जानू अभी तो आया था मैं। एक्सक्यूज मी, इस अभी को ना 6 मंथ्स हो गए हैं। अच्छा ना नाराज तो मत हो, मेरा सोनू मेरा मोनू तानू आ जाओ ना लाहौर। तानी तुमने परमानेंटली मेरे पास आ जाना है, मेरे लाहौर आने से क्या होगा, तुम मेरे पास यहाँ कराची में आ जाओगी और हम फिर यहाँ पर हंसी खुशी रहेंगे। ओ हाय। हाँ वैसे आ तो मैं जाऊंगी कराची तुम्हारे पास। अच्छा वीडियो कॉल पे आओ ना। वीडियो कॉल? तानी तो अम्मी का पता है ना, वो कभी भी आ जाएंगी और फिर कहेंगी दिखाओ कौन है फोन पे। हाँ तो दिखा दो। ऐसे कैसे दिखा दे, पूरे तैयारी के साथ दिखाएंगे, बारात लेकर आएंगे, बताएंगे अम्मी को कितनी प्यारी है मेरी तानू। I love you. I love you too. Love you 3. I love you 4. Love you 5. I love you 6. I love you 7. I love you 8. I love you 9. And go! एक देवदास बना फिर रहा है, दूसरा कहता है कि बाइक से गिरा है लेकिन देख के लगता है कि पिट के आया है। एक्शन हीरो। औरत को तो पैदा होना ही नहीं चाहिए, अपनी मर्जी करे तो खराब, थोड़ा हंस ले तो खराब, खराब ही खराब, बस एक जगह बुत बन के बैठ जाए फिर सब ठीक है। ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मजा ले जुगा। माई क्या हुआ? ऐसे नहीं करते जी किसी के साथ, आपने तो मेरा त्राही निकाल दिया। हम तो बस ये पूछ रहे थे कि क्या हुआ माही, क्या नहीं चलेगा। क्या बताऊं शिजा बीबी, ये जो है ना बख्तूरत सफर, ये लोग बस अपने निके निके काम करते हैं और चले जाते हैं फिर खराटे मारने। मतलब अफतारी हुई है, पांडे धोने हैं, पांडे समेटने हैं, अपना काम किया तो फिर गैब को माई की मदद भी करा दो, को किचन को समेटा समाटी करा दो, लेकिन ना बस माई लगी रहे रात तक कल्ले ही। माई मुझे कहती मैं तो फारिग बैठी हूँ, तुम्हारी मदद कर देती मैं। हाँ ना आपको क्यों कहती मैं, भी दो अटे कटे आदमी है सारा काम करने के लिए, तो आपको कहती मैं को अच्छी तो नहीं लगती। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, उन्हें तुम्हारी मदद करनी चाहिए और नहीं तो क्या। चले आप ना, मैं जरा थक गई हूँ, मुझे नींद आ गई है तो मैं जाती हूँ सोने। आप लोगों ने तभी बैठना होगा ना, गप्पे शप्पे मारनी होंगी अपनी। नहीं
हम भी सोने जा रहे हैं, आज किसी का कोई मूड नहीं है, सब सो रहे हैं। अच्छा जी चलो फिर अल्लाह हाफिज। चलो चले। ये क्या हुआ, क्या आवाज थी शिजा? किचन में कुछ गिरा है, इसमें इतनी डरने की क्या जरूरत है? चलो देखते हैं। नहीं छोड़ो, रहने दो ना। बिल्ली आ गई होगी। बिल्ली? बिल्ली कहाँ से आई इस घर में? चलो चल के देखते हैं। नहीं मैं नहीं जा रही। ठीक है फिर तुम बैठो, मैं जाके देखती हूँ। नहीं मैं चल रही हूँ। तो फिर उठो। चल। ये देखो माही की हरकतें, नींद में नलका खुला छोड़ गई। और डोंगे भी गिरा गई। हाँ लेकिन आवाज उसके जाने के बाद क्यों आई शिजा? फजूल बातें मत करो, देख नहीं रही कितना पानी जाया हो रहा है? हर चंबे का हिसाब होगा, तू बाहर निकल, बाहर निकल तू।